अगर आप गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है, आज है सावन का पहला सोमवार और मैं पहुंच चुका हूं अपने ही मेरा कॉलोनी में। हो रहा है यहां पे लग रहा विशाल भंडारा। आज मैं दिन भर यहीं रहने वाला हूँ। आज का ब्लॉग मस्त होने वाला है क्योंकि मैं आज भंडारा का ब्लॉग लेने वाला हूँ, तो मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जय शंभु जय भोलेनाथ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो गाइस, खाना बनाने का जो सामान है वो यहाँ से लिया जा रहा है, ये घर से, और यहाँ हम लोगों का जा रहा है जो अभी प्रसादी बनने वाला है, जिसमें तो यही सब यूज होने वाला है। वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग अभी निकल चुके हैं यहाँ से और जा रहे हैं बॉक्स लाने, और आप हमारा सवारी देखो गाइस, एक बार सवारी देख सकते हो। तो बॉक्स इधर लोड हो चुका है गाइस, और अभी ये वहाँ जाके बजने वाला है, और फिर से हम लोग ऑटो का सैर करने निकल पड़े हैं। इतना जोर से ये ऑटो चलता है कि इसका स्पीडोमीटर तक अभी यहाँ से बस्ट हो चुका है, मतलब ये रॉकेट ऑटो है गाइस। तो यहाँ पे बन रहा है अपना चूल्हा, मतलब जहाँ की भोग बनेगा तो यहीं पे भोग बनने वाला है गाइस, मतलब यही खाना बनाने वाले हैं आज, और यहाँ पहले बन रहा है उसके लिए चूल्हा। तो गाइस सब थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा इधर सब्जी भी आ चुका है और अभी ये कटिंग होने वाला है। पूजा के लिए नारियल भी है और अगरबत्ती, सब कुछ, मतलब सब कुछ इधर रेडी है। बस अभी चूल्हा बनने वाला है और उसके बाद हम लोग इसमें पकाने वाले भोग। मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ और यहाँ आते मुझे एक चीज दिखाई दिया कि चूल्हा जो मैं आपको दिखाया था, चूल्हा बन के तैयार हो चुका है और उसमें अभी दाल फ्राई हो रहा है। तो गाइस आज मतलब क्या बोले, भोले बाबा का दिन है और प्रसादी भी एकदम एक नंबर बनने वाला है, और एक चूल्हा हम लोग का रेडी भी हो रहा है यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हो। रख रख। तो गाइज आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सब कोई मिल के अपना प्रसादी जो है, जो प्रसाद है वो बनाते हैं और सब मेहनत करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कम कोई ज़्यादा, सब एक साथ बराबर सा मेहनत करते हैं तो पता नहीं चलता, और हम लोग हर सावन के सोमवार में ऐसा कर किया करते हैं। धुआं के सामने पूरा आँख एकदम रेड हो जा रहा है गाइज, और पूरा चलने लग रहा है। चूल्हा के सामने जब ज्यादा देर रहता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है, तो मैं थोड़ा देर बाहर आया। बन चुका है यहाँ भोग और आगे और भोग चढ़ रहा है। घर में खिचड़ी बना के देखना, इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है। अब घर में कितना भी अब खिचड़ी बना लो, लेकिन पूजा का जो खिचड़ी होता है उसका थोड़ा टेस्ट अलग ही रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और क्या बोलेगा बेटा? हरे माधव। हर हर माधव। देखो गाइस, तो ये लोग भी हर हर माधव बोल रहे हैं और ये लोग भी आ गए, और हमारा खाना तो यहाँ बन ही रहा है, देख पा रहे हो। भोग बनना यहाँ स्टार्ट हो चुका है और मौसम भी आज एकदम सही है, और मैं एक घर में खड़ा हूँ यहाँ पे, और फिलहाल मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए मैं थोड़ा साइड पे आ गया, क्योंकि वहाँ नॉइज बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉक्स बज रहा है गाइस, तो नॉइज बहुत ही ज़्यादा है वहाँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गया, थोड़ा आपसे बात भी कर लूँगा और यहाँ के बारे में भी बता दूँगा। तो हम लोग हर साल बाबा धाम जाते थे और इस साल मैं नहीं जा पाया, दो साल तो कोरोना में बंद था और इस साल जब खुला तो कुछ वजह है, उस वजह से मैं बाबा धाम नहीं जा पा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा अगली बार ज़रूर बाबा धाम मैं आपको लेके चलूँगा। तो अभी यहाँ खीर बन रहा है और खिचड़ी वहाँ कंप्लीट हो चुका है, और पहले जो मैं दिखाया था वो सब भी कंप्लीट हो गया, और अभी फिलहाल बैठा हुआ है यहाँ पे, खीर है, सब कुछ रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हो सब कुछ रेडी हो चुका है और अभी खाली वितरण का टाइम है। तो अभी बांटने का बारी है गाइस। कौन कौन
अंदर में जाए कौन कौन अंदर में देख सकते हो छोटा छोटा बच्चा और बड़े लोग भी यहाँ आ रहे हैं, अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए ये छोटा लड़का कितना अच्छा लग रहा है कि प्रसाद ही लेके जा रहा है। अभी बारिश भी गिरने लगा है गाइस, बाहर देख सकते हो बाहर बारिश भी हो रहा है। तो गाइस फिलहाल यहाँ सब कुछ पूरा हो चुका है और मुझे अभी अपना घर जाना होगा। तो गाइस पहले यहाँ से विदा चाहते हैं और मिलता हूँ आपसे कल किसी नए दिन और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।